हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो, आज बनाएंगे इडली जो बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनी थी। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे जिससे आपकी इडली जो हर बार एकदम सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार बने। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं धुली हुई उड़द ली है और अब इसको 3-4 पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेंगे ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो ये मैंने धुल के इसको साफ़ कर लिया था। फिर मैंने इसमें 3-4 कप पानी डाल दिया था, या फिर जब तक अच्छे से जो है जितने तक दाल मतलब पानी दाल जो है अच्छे से भीग ना जाए पानी में। तो अब इसको साइड कर देंगे और जितना हमने दाल लिया है उसका 3 गुना हमको चावल लेना है। तो मैंने 1 कप जो है दाल ली थी, तो मैंने 3 कप जो है चावल लिया था। ये 250 ग्राम दाल थी, तो मैंने 750 ग्राम जो है वो चावल लिया था। ये देखिए, 12 घंटे के भीगने के बाद चावल कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और अब इसको पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जो है पानी डाल के और खूब अच्छे से पीस लिया था। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जो नहीं तो जो बैटर होगा एकदम से गीला बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा और इसको कम से कम 3 से 4 बार पीसना है, या तब तक जब तक हमारा जो बैटर है वो एकदम से मुलायम ना हो जाए और इसमें कोई भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए। तो एकदम मुलायम बैटर बनाना, वरना जो हमारी इडली है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का जो ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा बैटर बन के एकदम तैयार हो गया है। तो इसी तरह करके मैंने सारे जो चावल का बैटर था वो मतलब चावल जो था वो पीस लिया है। अब चलेंगे दाल पीसने की ओर। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी ली थी वही वाली और अब इसको पीसेंगे। तो ये इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि दाल खुद ही सॉफ्ट होती है और 12 घंटे भीगने के बाद ये आराम से पिस जाती है। आप चाहो तो अगर जल्दी में हो तो 6 से 7 घंटे भी आप इसको भिगो सकते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम जो है हमारी जो उड़द की दाल है वो पिस के तैयार हुई है, जैसे दही बड़े के लिए बनाते हैं उस तरीके का। और इसको निकाल के अब इसको मिक्स कर सकते हैं। शुरू में इसको मिक्स नहीं करना। और हाँ, जो चावल मैंने लिया था उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ज़रूर ऐड करिएगा, उससे जो है फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अब जो है इन सबको मिक्स कर लेंगे। हाँ, और शुरू में दाल चावल अलग ही अलग भिगोना है, एक साथ नहीं भिगोना, इससे हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक ही साइड में देखिए, इस तरीके का कुछ बैटर होना चाहिए, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला जो बैटर है वो एकदम तैयार हो गया। अब इसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए कम से कम 12 घंटे के लिए। तो मैंने ये रात में पीस दिया था और इसको पूरे मतलब दिन में और पूरे रात जो है ये अच्छे से देखिए फर्मेंट हुआ है। तो देखिए कितने मज़ेदार, कितने अच्छे तरीके से आप जाल ही देख सकते हो, बहुत मज़ेदार जो है फर्मेंट हुआ था। तो कम से कम 12 घंटे के लिए इसको ज़रूर फर्मेंट करें। और अगर सर्दी वाली जगह पर हैं तो इसको अच्छे से किसी गर्म जगह में या जो ओवन होता है उसमें रख दीजिए। मैंने तो इसको कपड़े से ढक दिया था और मेरे यहाँ अभी गर्मी भी है, तो बहुत अच्छे से जो राइज हुआ है देखिए। और थोड़ा मोटा हो गया था तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा नमक। मैंने पानी और नमक ऐड कर दिया था और देखिए इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर एकदम बढ़िया वाला तैयार हो गया। और यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप जो ऑयल खाते हो उसको मतलब लगा सकते हो। और आप चाहो तो जितने बैटर में आपको ज़रूरत हो उतने में ही नमक डालिए, बाकी को स्टोर करके फ्रिज में आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। और सारे इडली स्टैंड में एक एक करके इडली रख देंगे एकदम। और आप इसी सेम बैटर से हो चाहो तो डोसा भी बना के तैयार कर सकते हो। इन दोनों का बैटर जो है सेम ही होता है। तो सारे इडली स्टैंड में जो है इडली मतलब जो इडली का बैटर है वो फिल कर दिया था। अब रख देंगे इसको इडली स्टैंड में एक के ऊपर एक जिस तरीके से सेट करना होता है। और इस तरीके से मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। उधर पानी जो है गर्म हो गया था हमारा अच्छे से। अब चलेंगे इसको स्टीम करने के लिए। तो मैंने इडली स्टैंड में इसको रख दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप ये कढ़ाई में भी बना सकते हो, और अगर इस इडली स्टैंड ना हो तो और कटोरी में रख सकते हो उसको, तो उससे बहुत अच्छा बनता है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए 12 मिनट बाद कितनी अच्छी जो है इडली हमारी बन के तैयार हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्म थी और भाप बहुत तेज़ लगती है हाथों में, तो मैं थोड़ी सा ठंडा होने के लिए मतलब 2-3 मिनट छोड़ दिया था। और ये देखिए एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। अब इसको चम्मच से जो निकाल देंगे, देखिए अगर बहुत अच्छे से बन गई है तो बहुत आसानी से निकल जाती है। आप एक टूथपिक इंसर्ट करके देख लीजिए, अगर वो एकदम क्लीन आती है तो मतलब हमारी इडली जो है बन के अच्छे से तैयार हो गई है। तो मैंने सारी इडली जो है निकाल लिया था, ये मैं और मेरी सिस्टर थे। भाई देखिए इडली एकदम मज़ेदार बन के तैयार हो गई। मैंने 2 तरीके की चटनी बनाई है, पीनट और कोकोनट वाली। तो यहाँ पर मैं लिंक लगा दूँगी आई बटन पर, आप देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी इडली बन के तैयार हुई थी। तो आप भी चाहो तो बना सकते हो। और कुछ बातों का जो इडली बनाते ध्यान रखना वो ये है कि आपको मेथी दाना ज़रूर ऐड करना है, और आपको जितने बैटर की ज़रूरत हो सिर्फ उतने में ही नमक डालिए, बाकी को स्टोर करके रख लीजिए। और कम से कम इसको 6 से 7 घंटे तक ज़रूर भिगाइए और अच्छे से फर्मेंट करिए। थैंक यू।